हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ प्रशांत और स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में। जी हां, टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड के एक ऐसे एक्शन स्टार हैं टाइगर श्रॉफ, जो कि हर किसी के फेवरेट हैं। आज के दौर में अगर आप एक्टर्स को देखें तो टाइगर श्रॉफ उन एक्टर्स में आते हैं जिनके एक्शन को देखने की लोगों को सबसे ज़्यादा दिलचस्पी रहती है कि कब उनकी कोई एक्शन मूवी आएगी। चाहे वो बागी हो, चाहे फिर वो वॉर हो, हर मूवी के अंदर टाइगर ने एक्शन ही एक्शन दिखाया है। और इसीलिए आज की जनरेशन के यूथ के और बच्चों के भी टाइगर श्रॉफ जो हैं वो नंबर वन एक्टर हैं एक्शन को लेकर के। तो यहाँ पर एक चीज़ और अब हम आपको बता दें कि जो टाइगर श्रॉफ हैं उनकी एक और मूवी आने वाली है एक्शन से भरपूर, हीरोपंती 2। ये सभी जानते हैं कि टाइगर श्रॉफ ने हीरोपंती के जरिए ही अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी और अब वो हीरोपंती 2 यानी कि इसके सीक्वल में भी नज़र आने वाले हैं। और इस सीक्वल को अहमद खान डायरेक्ट करेंगे। साजिद नाडियाड वाला के प्रोडक्शन हाउस में ये मूवी बन रही है और हीरोपंती के लिए टाइगर श्रॉफ को फाइनल किया जा चुका है। वो इस मूवी में ना सिर्फ एक्शन करते हुए नजर आएंगे बल्कि डांस का तड़का भी उनका देखने को मिलेगा। वो अपनी मूवी में एक्शन के साथ साथ अपने डांस से भी लोगों को एंटरटेन करते हुए नजर आए हैं। चाहे वो फिर बागी हो, हीरोपंती हो, या फिर मुन्ना माइकल हो, वॉर हो, तो उनकी हर मूवी के अंदर एक्शन के साथ साथ आपको डांस का भी तड़का देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल हीरोपंती को लेकर के एक जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि इस मूवी में टाइगर श्रॉफ की लीडिंग लेडी जो है वो भी फाइनल हो चुकी है। तो आपको बता दें कि इस मूवी में कोई और नहीं बल्कि तारा सुतारिया नजर आने वाली हैं। जी हाँ, वही तारा सुतारिया जिन्होंने करण जौहर की मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से 2019 में डेब्यू किया था। यानी कि तारा सुतारिया जो हैं वो टाइगर के साथ इस मूवी में एक्शन और रोमांस का तड़का लगाती हुई नजर आएंगी। अगर तारा सुतारिया की बात करें तो वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में उन्होंने डेब्यू किया था। उसके बाद वो सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ मूवी मरजावा में भी नजर आ चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं तारा सुतारिया भी अब मेकर्स की फेवरेट बनती नजर आ रही हैं। इसके अलावा एक विलन 2 भी मूवी आने वाली है, उसमें भी तारा सुतारिया को कास्ट किया गया है। तो लगता है तारा की जो डिमांड है इन दिनों बढ़ती ही जा रही है। जिस तरीके से उन्होंने अपने डेब्यू में लोगों के दिलों पे छाप छोड़ी है वो वाकई में कई मेकर्स को काफी पसंद आया है। यही वजह है कि हीरोपंती 2 के लिए भी तारा सुतारिया को फाइनल किया गया है। और इस बात की जानकारी ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर पे दी है। चलिए आपको बताते हैं तरण ने क्या बताया है। साजिद खान की एक्शन फ्रेंचाइजी हीरोपंती की दूसरी फिल्म में टाइगर श्रॉफ के साथ तारा सुतारिया नजर आएंगी। इस फिल्म का डायरेक्शन अहमद खान करेंगे। तारा सुतारिया नाडियाड वाला बैनर की एक और फिल्म में काम कर रही हैं जो अहान शेट्टी की डेब्यू फिल्म है। तो आपने देखा कि तरण आदर्श ने कंफर्म कर दिया है कि तारा सुतारिया जो हैं वो हीरोपंती 2 की लीडिंग लेडी हैं और जिस प्रोडक्शन के बैनर तले ये मूवी बन रही है हीरोपंती 2, उसी की एक और बैनर की मूवी में तारा काम कर रही हैं, जिसमें सुनील शेट्टी के बेटे जो हैं अयान शेट्टी वो अपनी बॉलीवुड की पारी शुरू करने वाले। तो यहाँ पर तारा सुतारिया को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एक और बड़ी फिल्म उनके हाथ में लग चुकी है। अब टाइगर श्रॉफ के साथ उनकी जोड़ी क्या धमाल मचाएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बात बता दें कि टाइगर के साथ तारा की जोड़ी कोई पहली बार नज़र नहीं आ रही है। उनकी खुद की जो डेब्यू मूवी थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, उसमें वो टाइगर के साथ रोमांस करती हुई नजर आ चुकी हैं। तो अब फैंस को एक और डबल धमाका देखने को मिलने वाला है जब वो दोबारा टाइगर के साथ बड़े पर्दे पर रोमांस करेंगी। वैसे आप इस रोमांस के तड़के को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।